पिंका को लग रहा है बहुत ज्यादा बुरा। कोई नहीं बेटा कोई नहीं, चलो हमारे साथी ने ऐसे जगह किस्मत भी ना तो जाऊं का कैसे जी लिया है। पति है बढ़िया, परिवार है बढ़िया, तो ये श्री हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। मेरी आवाज कांपती भी आपको सुनाई दे रही होगी क्योंकि बहुत ज्यादा पेन में हूँ। तो आज हमारा हॉस्पिटल विजिट है, जाना है फिर से हमें बेबी को लेके और मुझे भी दिखाना है, तो हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। आज सुबह सुबह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही क्योंकि भैया और मामा भी चले गए, तो सुबह से तो मेरे रोने के काम है, लेकिन अभी जब तक ये यहाँ पर है तब तक इतना बुरा नहीं लगेगा। तो चलते हैं हॉस्पिटल और बेबी को भी दिखा के आते हैं और खुद भी दिखा के आते हैं क्योंकि मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है फिलहाल। तो बने रहिए आप ब्लॉग में। मम्मा वगैरह तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि भाई जल्दी चलो जल्दी, हम जल्दी वापस भी आना है ना। हाँ, क्योंकि हम तो लेट हो गए तो लेट जाएंगे तो लेट ही, सुबह से काफी लेट हो गया यार क्योंकि लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि पहले तो मम्मा वगैरह गए फिर अभी हम तैयार हो रहे हैं, तो पहले शूट कर लिया है, प्री शूट किया है, मम्मा वगैरह ब्लॉग हम अभी शुरू कर रहे हैं और पिंका का भी थोड़ा बहुत पेन में है। चलो पिंका आराम आराम से, और हम निकल रहे हैं और यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह कोई नहीं रहने दो, हम आ जाएंगे तब कपड़े डाल देंगे, बारिश नहीं होनी चाहिए। ओ नहीं आ रहे, चल रहे चलो बैग में कर लूंगा। देखो तैयार हो गए भाई, मम्मी वगैरह भाग रहे, तैयार हो गए सुबह सुबह हैं, हम तो सो के उठे और पिंक की इधर रोने लगी हुई है भाई। हेलो इधर देखो जरा अरुण राम, तो अभी अभी कुछ दिन बाद तब तो हम बाहर भी अभी आएंगे। और का सुबह के बजे है 6 बजे और सुबह सुबह भागने की तैयारी में मम्मी बोल रही थी रहा पता ना बड़ा दीप बैठा लगा लाग जाएगा तो बोला मैं भी रूई बाद में ध्यान से बोल दूँ से भी रोए तो वो तो बोल बोल तो वो बोल नहीं होगा तेज नहीं भी और चुप हो बार बार बोल रहा है नहीं की से फोन करो यार, बोलो हम जैसे हॉस्पिटल से आएंगे तो फोन कर देंगे। छोटे बच्चे से हो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस्मत करना है। कैसा लग रहा भाई जाती बार इसकी पाइले रंग हो जाए कुछ और इतनी मीठी पाई है ना, खुशबू आती रही इससे है ना। मम्मा वगैरह जा रहे हैं अभी, तो पिंगा को थोड़ा बुरा लगना लाजमी है क्योंकि मम्मा के पास से थोड़ा ना ना भाई लगे मम्मा भी तो बाहर आ, तो आप जा रहे हैं फिर भाई मैं बात हूँ रहे दे भैया वगैरह जा रहे हैं सब लोग। पिंगा को तो बुरा लग रहा है बेचारा, नहीं आप नहीं रोएगी, आप नहीं रोएगी टेंशन फालतू मतलब है ना। ऐसे बेटू रोते यार फिर पागल मम्मी को ऐसा लगता है ना, इतने सब लोग यहाँ करने वाले सब भी आप ऐसे फील करो। सुबह सुबह ही निकल रहे हैं मम्मा वगैरह, हमें भी आज हॉस्पिटल जाना है तो अभी इनको बाय बोल रहे हैं तो इसके बाद निकल जाएंगे, फिर हम भी तैयार होकर तुरंत हॉस्पिटल की हो जाएंगे तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, बने रही ब्लॉग पे। अभी यहाँ मम्मा और पिंका की गॉसिप चल रही है, इनका दिखाते हैं लाइन पर फोकस करते हैं, मेन करेक्टर आज के ब्लॉग यही है मम्मा वगैरह। भाई सब ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते फिर है ना। ओके वही मिलते फिर शेर में है ना, आवा टाइप है, शेर नहीं है सेत, शेर नहीं है भाई।
चल ठीक है मम्मा बाय है ना, ऐसे इंटेंशन लेते ठीक है, ऐसे तो थोड़ा बहुत हम इधर जब इसको बुरा लगता है यार, जाती बार थोड़ा रोना भी होता ही है ठीक है, कोई टेंशन लेने हम लोग इधर बच्चे ऐसे फालतू टेंशन लेते ठीक है, इसका खुद करे कह रहे यार मम्मी यहाँ है बहन यहाँ है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुझे पता है यार ठीक है, मम्मी वगैरह जा रहे हैं तो तुम भी तो पॉल बोल दी ना, रुको जा मम्मा रुको, मम्मी आ रहे नीचे रुको जरा, मम्मी लगी यार रुको दे रुको 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 दे हे बाबू उदियो पुंडियो मामा वगैरह भी जा रहे हैं मामा के साथ ऊपर, थोड़ी देर खुद इधर बाय करो मामा, मामा को बाय कर रहे हैं, दिस इज फीलिंग, बाय कहना कितना मुश्किल होता है मामा वगैरह को, मामा वगैरह सब जा रहे हैं, भैया जा रहे हैं, चलो बेटू ऐसे नहीं रोते यार, क्या क्वेश्चन लेके जाते हो मम्मी वगैरह हैं, पिंका को लग रहा है बहुत ज़्यादा बुरा मम्मा का, कोई नहीं बेटा कोई नहीं चलो अंदर चलो, मम्मी को हो गया कन्फ्यूजन आने के लिए ऊपर इधर से आओ पर अंदर आओ, मम्मी कन्फ्यूज हो गए कहाँ चले गए हो गए किधर तू बड़े मस्त दूर ले थोड़े की रिपीट है बना तुम की ये नहीं है ये नहीं है सुबह सुबह एक कप कर दिए अब बार यार देखा ये इस राव अपनी बुआ के पास तब आके ले छोड़ देते हैं ना, अब जा रहे हैं हॉस्पिटल तैयार हो रहे हैं, तो हम फाइनली ना तैयार हो गए अभी हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि मम्मा वगैरह तो बहुत पहले चले गए थे गाँव, अब टाइम हो गया है बल्कि 9 बज गए हैं, एक्स्ट्रा टाइम हो गया है तो लेट तो हो ही गया है, बस हम निकलने वाले हैं बस यहाँ से गाइस, फाइनली हम तैयार हो चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, आज छोटे बेबी का जो बोलते हैं कि 2 दिन के बाद उसको फिर दिखाना था, डॉक्टर ने बोला था 2 दिन के बाद फिर लेके आना, तो बीच में संडे पड़ गया था इस वजह से हम जा नहीं पाए, तो आज मंडे को हमें जाना ही पड़ेगा मेरी हालत तो ठीक नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी पेन में हूँ अभी भी, लेकिन बेबी को लेके जाना है तो मुझे भी अब जाना ही पड़ेगा, वैसे मेरा भी आज चेकअप होना है, तो तैयार हो चुके हैं और मम्मी पापा भी, मम्मी पापा कह रही हूँ मम्मी और भैया भी सुबह सुबह निकल गए हैं, बुरा भी बहुत लग रहा था लेकिन आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, तो निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए, तो गाइज बने रहिए ब्लॉग में, ये हम तैयार हो गए अब जा रहे हैं हॉस्पिटल, टम 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 हम चले हॉस्पिटल, ये है पुत्र चले मामा है, माँ और बच्चा तो आ गए, पिंका का वेट कर रहे हैं, मम्मा ये जैकेट तो बढ़िया लग रही है आपको यार, सुंदर लग रहे हैं आप बहुत हैं, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत है यार चलने में बेचारा है, हैं स्माइल प्लीज स्माइल सवाइल सवाइल जी बहुत लग रहा है, तो बोला सुंदर जी बहुत लग रहा है, मैं पैदाइशी सुंदर है लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है, बस 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 बस
इतना भी हो रहा है पिंका को क्योंकि बैठना बहुत टफ है। अभी गाड़ी मैंने वापस ले आई यहाँ पर, मम्मा और चुन्नू तो बैठ गए, मम्मा और जॉय, जॉय का छोटा भाई भी जॉय है इसका नाम। ओहो बेडशीट तो डालेंगे यार, बेडशीट डाल दो ना इसको, कोई मुझे दबोश नहीं उसमें आने देता, यहीं बैठा लेना, यहीं पिला लेना, ऐसे करवा मोटी मोटी खोल के, थोड़ा गर्म भी रहेगा, सॉफ्ट भी रहेगा। बस बस ठीक है, आ जाओ आराम से आओ। बहुत टफ रहता ये टाइम ना, जब तक सब हीलिंग ना होगा, स्टिचेस वगैरह जब स्टेज हिल हो जाएगी तब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा काम सब। अभी इसको तो भूख भी लग गई मम्मा, है ना, है मम्मा भूख लग गए, आराम से जाओ, पीछे करो सीट, आराम से हो गया बेटा, बैठ जा रहा है, नहीं बैठ जा रहा। तो फाइनली गाइज निकल गए हैं, अभी गाड़ी में बैठ गए और ये है जाने का रास्ता, कितना सुंदर रास्ता है। और ये है पिंक कार्ड पुत्र, और पीछे बैठे हैं मम्मा हमारे साथ में, मम्मा को ले जाना भी जरूरी है क्योंकि लेडीज के साथ होना जरूरी है। तो मम्मा आए साथ में, तो बोला था मम्मा को, नहीं मम्मा नहीं, बोला मुझे भी आना है साथ में, मम्मा पीछे। हाँ जी मम्मा, जैकेट जुकेट तो बेरम लग रहा है आपको यार, स्मार्ट लग रहा है आप बहुत से, है कस हमसे थोड़े आकड़े आ जाओ इधर, थोड़ी मेरी साइड आओ बस। चलते हैं गाइस, बने रही ब्लॉग में, अभी लेके चलते हैं। और पिंका की हालत अभी ठीक नहीं है, बड़ी मुश्किल से बैठा रखा है जैसे कि आपने देखा भी है। गाइज हम आ गए थे हॉस्पिटल, आज है क्रिसमस की छुट्टी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि क्रिसमस की छुट्टी, और यहाँ पर आए हॉस्पिटल बंद है, ओनली इमरजेंसी खुली है, ओपीडी सारी बंद है, पोपटी हो गया, बड़ी मुश्किल से तो गाड़ी में बैठी थी, अब टेंशन हो रही कल फिर से आना पड़ेगा, ये भगवान क्या ये सारी गलती अमित की, क्योंकि पहले पता नहीं करता है, उसके बाद फिर सफर हमको करना पड़ता है भाई, क्या है यार, क्यों भाई आप क्यों ऐसे, पता नहीं कर सकते थे पहले, मुझे तो पता था, बट मुझे नहीं था पता कि हॉस्पिटल की छुट्टी होगी आज, इतना मुझे पता था क्रिसमस है आज, आपको नहीं था पता कि क्रिसमस है, और इतना पता था क्रिसमस की हमारी छुट्टी होती है, बट ये मालूम नहीं था गाइस कि ओपीडी आज सारी बंद होती है, ओपीडी आज बंद है और ये गेट भी बंद है, मैंने बोला था कि आपको ये बंद रहता है यार, आज तो पड़ो हो रहा है, आप मान इनको पूछो तो इनको, हे भगवान नहीं खुलेगा, ये देखिए गाइस हॉस्पिटल हमारा कितना सुंदर है, एमएच तेरा ये दिया सब की जो बोल, हां ये हमारे बेबी का बर्थ प्लेस, वाओ ब्यूटीफुल बर्थ प्लेस बंदे का ना है, देखो जरा क्या यहां हमारे बच्चे का जन्म होने का, इतना सुंदर जगह है ना, देखो मैं बड़ी मुश्किल से क्योंकि मम्मा के लिए अभी फोन गिफ्ट करना है, गिफ्ट तो क्या पिंक वाला फोन मम्मा के पास रखेगी, मम्मा चलाएगी, सिखाना तो पड़ेगा, आराम से आराम से। पिछले कब आए थे हम, पिछले दिन संडे को बंद होता है, बधाई है मम्मी को, वीडियो बना रहा हूँ, बधाई बहुत बहुत है ना चलो मामू वगैरह आए थे अभी, मामू को लेने गया था, मामू बोल ही मामू तैयार हो गया अब जाने के लिए, फ्लाइट कितने बजे आपकी फ्लाइट अभी, इंजन गर्म हो रहा है, अच्छा बाय बाय बोलने को तैयार, बाय बाय, गाइस
क्या खा रहे बेटू आप? दाल रोटी दाल रोटी शुक्र है ये तो दे जल्दी तो घर वाले मीठा ही मीठा खिला रहे हैं घी के साथ खिंडा खिंडा जिसको हम खिंडा बोलते पहाड़ी में है ना आजकल तो मतलब ऐसा हो रहा ना कि भूख भी लगती है लेकिन खा भी नहीं पा रही डर डर के खाना ये दाल स्पेशल ना कौन सी दाल बनाई बेटू मूंग की दाल है जीरे के छौंके के साथ ओनली जीरे का छौंका है ना पता नहीं कब वो दिन आएगा जब अपनी टेस्ट का खाना खाऊंगी जब मोमो खाएगा आप आजकल तो नहीं अपने बच्चे के लिए अच्छा ये बड़े डॉक्टर हमारे मम्मी ये नहीं देते खाने कुछ नहीं ये बिल्कुल केयर करते बहुत ही ज्यादा जोरों से ये ओट फ्लाई मम्मी चोड़े हैं वो खा बोल बोल पोए थे बस गैस पी दे दाल पी लेना बेटा दाल ठीक हो जाए मम्मा है ना मूंग दाल खाना पड़ता बेटा खाओ जल्दी अरे खा लो यार जितना खाओगे फिर इसलिए मैंने ज्यादा काटे ना तो मैं खा लूंगा बाद में फटाफट खाना गेड़े गेड़े बाद टेस्ट करना क्या बोल रहे इधर आओ सामने आओ सामने क्या बोल रहे हो क्या पटौनी लगा रखी बैठा मक्खन लगा रहा हाँ मामा अनार की कटोरी भर कर रख दिया आपके लिए है ना फिर लाई एक कटोरी पर मेरे लिए लेमन अब आप पिंकी के लिए काटता हूँ और दूसरा ये भी खराब ये भी खराब ये खराब अब मैंने उसकी किस्मत में नहीं और मैं बेचारी भोले बन रही मैंने सच में यार भाभी के लिए सच में अनार ने मैंने देखा मैंने आप कल कटोरा किया बंदे ने तो गाइज हम हॉस्पिटल से थक हार के वापस पहुंच चुके थे क्योंकि पोपट हमारा हो चुका था बहुत ज्यादा काम आज कुछ नहीं और कल मुझे फिर से जाना है और जाना मेरे लिए आजकल मतलब लाइक ऐसे हो रखा है ना कि मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ चल भी नहीं पा रही हूँ फिर भी जाना पड़ेगा और ये देखिए जनाब और इनका बेटा मजे से सो रहे हैं भाई और मेरे हालत आप लोग देख सकते हो और मुझे अभी से ही कल की टेंशन होने लगेगी कल फिर से जाना पड़ेगा गॉड एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए जैसे आप लास्ट वीडियोस में दे रहे हो और हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाय बाय